रानीगंज के हाराभांगा ग्राम रक्षा समिति ने ईसिल के निमचा कोलेरी एजेंट कार्यालय का घेराव किया। गुरुवार को काफी संख्या में ग्रामवासियों ने एजेंट ऑफिस पहुंचकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों में काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। रानीगंज के हाराभांगा ग्राम रक्षा समिति ने ईसीएल के निमचा कोलियरी के एजेंट कार्यालय का घेराव किया। गुरुवार को काफी संख्या में ग्रामवासी एजेंट ऑफिस पहुंचे और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों में महिलाएं भी शामिल थी। प्रदर्शन में शामिल नयन गोप ने कहा कि हाराभांगा तिराट व चेलोद ग्राम का मुख्य संपर्क मार्ग नूनी ब्रिज है। नूनी ब्रिज की हालत काफी बदहाल व जर्जर हो चुकी है, इसलिए नया ब्रिज बनाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि अगर ये ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया तो लगभग 10,000 लोगों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा और इन गांव का दूसरा इलाकों से संपर्क पूरी तरह से टूट जाएगा। उस ब्रिज से होकर ईसीएल के कोयला और बालू लदे भारी मालवाहक वाहन आवाजाही करते हैं, जिसकी वजह से ब्रिज और खस्ताहाल होता जा रहा है। उस इलाके में ईसीएल के दो बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी ये भी मांग है कि तिराट से रानी शहर तक सड़क की मरम्मत कराई जाए और ईसीएल के ओसीपी से निकली मिट्टी को हमारी कृषि भूमि पर डाला जाए, जिससे हमारी खेती योग्य जमीन बेकार हो जाती है। इसे ईसीएल प्रबंधन को ठीक करना होगा। ग्रामीणों ने कहा कि अगर हमारी ये मांग नहीं मानी गई तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। समर्थन ने हाराभांगा ग्राम रक्षा कमिटी नेतृत्व आज के निमचा आर कोलियारी सामने विक्षोभ। अपनारा जानें हाराभांगार सामने नुनिया नदी ऊपर जो ब्रिजटी জোড়াজীর্ণ ব্রিজ, এই ব্রিজের উপর দিয়ে বেআইনি এবং আইনিভাবেও 40-50 টনের বালি এবং কয়লার গাড়ি চলছে এবং এই ব্রিজটিতে যে কোনো সময় বিপদের মুখে সম্মুখীন হতে পারে এবং এই ব্রিজ ভেঙে যাওয়া মানেই প্রায় 10,000 মানুষ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, প্রায় দ্বীপ এবং সেতুর মতো অবস্থা হবে এবং তিরাট থেকে রানীশাহর পর্যন্ত রাস্তা চৌচি। এবং আপনারা জানেন এই নিমচা আর কলিয়ারির নেতৃত্বে দুটি প্রজেক্ট চলছে, তিরাট হাইওয়ে প্রজেক্ট এবং ডামালিয়া ওসিপি, যেখান থেকে এনারা খনি আইন না মেনে বেপরোয়াভাবে কয়লা উত্তোলন করছে, যার ফলে তিরাটে 300 মানুষের ঘর বাড়ি ভেঙে গেছে। এরা কোনো কম্পেনসেশন দিচ্ছে না, জমি মালিকদেরকে লামসাম কম্পেনসেশন দিয়ে চুপ করে দিচ্ছে, চাকরিও দিচ্ছে না। এই ইসিএলের যে বেপরোয়া খনন নীতি এবং খনি আইনকে না মানা তার বিরুদ্ধে এবং গ্রামের মানুষের প্রজেক্ট ইফেক্টেড যারা পিপিল সেই মানুষদের সমর্থনে 17 দফা দাবি নিয়ে আজকে আমরা মেমোরেন্ডাম দিলাম, দাবি দিলাম এই স্মারকলিপি যদি পূরণ না হয় 10 দিনের মধ্যে আগামী দিন বৃহত্তর কর্মসূচি হবে। वहीं ईसीएल अधिकारियों ने कहा कि ग्रामवासियों ने जो समस्याएं रखी है उन्हें ईसीएल के उच्च अधिकारियों के पास भेजा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि हाराभांगा ब्रिज सार्वजनिक है और इसका इस्तेमाल सिर्फ ईसीएल ही नहीं बल्कि तमाम लोग करते हैं, इसलिए नए ब्रिज का निर्माण करना सिर्फ ईसीएल की जिम्मेदारी नहीं है। कुछ नहीं था, वो गाँव का कुछ इशू था जिसको लेकर के कुछ ग्रामीण आए थे आज ऑफिस में, उनका रिप्रेजेंटेशन था, रिप्रेजेंटेशन हम लोग ने ले लिया है, उसको हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे, ऊपर वाले हायर अथॉरिटी से बात करेंगे, जो भी समस्या उनका है बातचीत करके उनको सॉल्व करके उनको फिर इंटीमेट करके हम लोग ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बुला के और सॉर्ट आउट करेंगे। ये सार्वजनिक ब्रिज है और उसमें सारे लोग आना जाना करते हैं, ग्राम के लोग और बहुत सारे चीज़ यूज होता है, तो नॉट ओनली आज ईसीएल का ब्रिज है और ईसीएल का सिर्फ काम होता है, सार्वजनिक ब्रिज है, फिर भी इस बात को मैं अपने हायर अथॉरिटी से बात करूंगा और इसको बात करके जैसा रिजल्ट होगा उसको करूंगा। संजय भंडारी के साथ रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। खुले एवं स्वच्छ वातावरण में घर बनाने का सपना पूरा करने के लिए गोविंदो धाम लेकर आया है ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट, वो भी रानीगंज जामुड़िया शहर के बिल्कुल निकट NH-60 से महज कुछ कदमों की दूरी पर। कुनस्तोड़िया तपसी पेट्रोल पंप के निकट गोविंदो धाम में आपको मिलेंगे उचित कीमत और आसान किश्तों पर प्लॉट्स और डुप्लेक्स। गोविंदो धाम प्लॉट में 24 फीट रोड के साथ टेम्पल पार्क, किड्स प्लेइंग एरिया और भी बहुत कुछ उपलब्ध होगा। गोविंदो धाम रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से महज 4 किलोमीटर के दायरे में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मार्केट, हॉस्पिटल, स्कूल की सुविधा होगी उपलब्ध। गोविंदो धाम में प्लॉट्स और डुप्लेक्स बुक करने वालों को मिलेंगे अट्रैक्टिव गिफ्ट्स, तो फिर देर किस बात की। आपके सपनों को पूरा करने गोविंदो धाम लेकर आया है ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट। संपर्क करें 9332202961, 7001804855।